Hello guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk about one of the most popular, reliable and age-old natural skincare ingredient, which is aloe vera. Aloe vera is something jo ki sirf hamari country mein nahi balki across the globe different cultures mein use hota hua aaya hai over centuries and centuries for its various numerous skincare benefits, and not just in skincare but overall hair ke liye, nails ke liye, aapke गट हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हर तरीके से एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल होता है बिकॉज उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू स्किन, इट इज लोडेड विद हंड्रेड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इट हैज फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इट हैज हंड्रेड्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स एंड व्हाट नॉट. तो आपके स्किन पे जो भी इशू हो, राइट फ्रॉम एक्ने टू टेक्सचर टू पिगमेंटेशन टू सनबर्न, किसी भी तरीके के इशू को वो टारगेट करता है और आपकी जो स्किन की एक हीलिंग प्रोसेस होती है उसको एक्सेलरेट करता है. बट स्टिल देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनके लिए एलोवेरा वर्क नहीं करता, जिनकी स्किन एलर्जिक होती है एलोवेरा से, उनको सूट नहीं करता. और कई बार कई केसेस में तो कई लोगों को एलोवेरा लगाने से ब्रेकआउट्स भी होने लगते हैं. सो व्हाई इज दैट? हम सबकी एक कॉमन टेंडेंसी है कि कोई भी एक नेचुरल प्लांट जिसके इतने मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं ऑफकोर्स हमारे लिटरेचर में, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमें तो सूट करेगा ही, एलोवेरा इतना अच्छा होता है तो हमें भी उससे फायदा होगा ही. बट ऐसा हमेशा होता नहीं है बिकॉज एक नेचर से डिराइव करी गई चीज जो कि इतनी पोटेंट हो अपने आप में, वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए उतनी ही यूजफुल हो जितनी कि हम थियोरेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ओके सबके लिए ठीक है तो फिर मेरे लिए भी हेल्प करेगी. कई बार ऑपोजिट भी हो जाता है. तो इसीलिए आज के वीडियो में हम डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू माई टॉप फेवरेट पिक्स फॉर दिस समर सीजन, जो मेरे ख्याल से बहुत ही हाई क्वालिटी एलोवेरा जेल्स हैं जो कि सेफेस्ट हैं, ताकि अगर आप बिगिनर्स या सेंसिटिव एक्ने प्रोन्स टाइप फैमिली को भी है तो ये जेल्स आपको बेनिफिट करें. ऑल्सो आई एम गोइंग टू आंसर अ कपल ऑफ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस कि एलोवेरा जेल नेचुरल लेना चाहिए या रेडीमेड लेना चाहिए, किस टाइम पे लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, एक्टिव पिंपल पे लगा सकते हैं कि नहीं, एंड केमिकल एक्सफोलिएशन वगैरह के बाद लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं. तो दैट्स वाई फॉर टूडेज वीडियो आई थॉट लेट्स डाइव डीप इन टू द वर्ल्ड ऑफ एलोवेरा जेल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टूडेज टॉपिक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ऑलराइट, नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपको बता दूं. नंबर वन, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. नंबर टू, अगर ऐसे दूसरे कोई एलोवेरा जेल्स हैं जिनके बारे में मैं आज के वीडियो में बात ना करूं लेकिन आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो पिछले साल ही अराउंड द सेम टाइम मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने टॉप 15 एलोवेरा जेल्स के बारे में बात की थी, जिनको मैं रेट कर रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से ऑन अ स्केल ऑफ 5. तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और उसका थंबनेल भी यहां कहीं डाल दूंगी. अगर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं. Alright, so let's begin with some of the questions that you may have about aloe vera gels. Now, in case you are here just to watch the suggestions, the product recommendations, then this is the timestamp for you. आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. But if you are interested to understand this better, then please continue watching. The question number one is, हमें natural aloe vera use करना चाहिए या ready-made? Obviously, इसका कोई right or wrong answer नहीं है because skincare subjective होती है. लेकिन अगर आप मुझसे मेरा opinion पूछेंगे, अगर आपकी skin problematic है जिसपे active एक्ने पिंपल्स आते रहते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसके साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट करने में श्योर नहीं होते हो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी, इन दैट केस आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप प्रोसेस्ड एलोवेरा जेल के लिए जाएं, यानी कि एक रेडीमेड एलोवेरा जेल के लिए जाएं. ऑफ कोर्स आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि वो एक गुड क्वालिटी एलोवेरा जेल है जो कि शुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉसिबल स्किन इरिटेंट्स एंड फ्रेग्रेंस एंड कलर. लेकिन अगर आपकी स्किन रफ एंड टफ है, ड्राई, नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर यू कैन टेक चांसेस विद इट, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी भी प्रॉब्लमैटिक या अनप्रेडिक्टेबल है, तो नेचुरल आपको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत पोटेंट होता है. हो सकता है आपकी स्किन उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसकी तरफ एलर्जिक हो. अगेन, इफ यू स्टिल वांट टू गो अहेड एंड गिव दैट अ ट्राई, देन प्लीज डू अ पैच टेस्ट बिफोर, जस्ट हाउ वी डू फॉर एनी अदर प्रोडक्ट्स. सो आप पहले पैच टेस्ट करें, दो दिन वेट करें. अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आती तो गुड टू गो, लेकिन अगर आती है तो मेरी समझ से आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोसेस्ड यानी कि रेडीमेड एलोवेरा जेल ही यूज करना चाहिए.
क्वेश्चन नंबर टू इज विच इज द राइट वे टू अप्लाई इट, करेक्ट तरीका क्या है इसको लगाने का। सबसे पहले प्लीज ध्यान रखिए, अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे से सब वॉश किया होना चाहिए, आपके हाथ भी सैनिटाइज होने चाहिए, ऑन ऑल ऑफ दोज कॉशंस यू हैव टू टेक। अगर आप नेचुरल लगा रहे हैं अपने फेस को वॉश कीजिए और एक जेनरस थिक सी लेयर जो है उस ग्लूई सब्सटेंस की उसको अपने फेस पे जेनरसली लगा लीजिए, लेकिन 8-10 मिनट से ज्यादा उसको बिल्कुल मत छोड़िए फेस पे। उसको आप लीव ऑन करके नहीं रख सकते हैं, 10-12 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर देना है ठंडे पानी से। आप इसे लीव ऑन करके नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप रेडीमेड वाला एलोवेरा जेल यूज करते हो तो आप उसको लीव ऑन करके भी रख सकते हो। एक और बात ध्यान में रखिए कि अगर आप नेचुरल वाला लगा रहे हैं तो फिर आप उसे कभी भी इन्फ्लेम्ड या जो ब्रोकन आउट स्किन होती है उस पर लगाने की गलती कभी भी नहीं करें, उससे और ज्यादा एक्ने आपके ट्रिगर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एलोवेरा जेल। इन जनरल एलोवेरा जेल बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन कई लोगों को सूट नहीं भी करता। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि लगाने के साथ ही आपकी स्किन पे इचिंग होने लगी है, या एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होने लगी है, या फिर एक थोड़ी बर्निंग आपको फील होती है, या रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, रैशेज आ गए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू वॉश इट ऑफ इमीडिएटली एंड स्टॉप यूजिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द राइट टाइम टू अप्लाई एलोवेरा जेल, हमें दिन में लगाना चाहिए या रात में। माय आंसर टू यू इज आपको हमेशा एलोवेरा जेल नाइट में ही लगाना चाहिए, बिकॉज इट टेंड्स टू मेक योर स्किन मोर सेंसिटिव टू सन। तो अगर आप दिन में लगाएंगे इट विल एक्सपोज योर स्किन टू गेटिंग प्रोन टू हैविंग सन डैमेज और गेटिंग सन बर्नड, एंड यू डोंट वॉन्ट दोज काइंड ऑफ रिस्क, बिकॉज उससे हाइपरपिगमेंटेशन भी ट्रिगर होता है। इसलिए दिन के टाइम पे एलोवेरा जेल नहीं लगाएं अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपने घर के अंदर ही रहना है। सेफ तरीका ये होगा कि रात में लगाइए, क्योंकि ये फोटोसेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन एलोवेरा हेल्प अस विद आवर पिगमेंटेशन इश्यूज। थियोरेटिकली स्पीकिंग एलोवेरा डज हैव अ डीपिगमेंटेशन कंपाउंड कॉल्ड एलोइन व्हिच इज सपोज्ड टू लाइटन योर स्किन, तो उसमें स्कार्स वगैरह को रिड्यूस करने की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई थिंक द इफेक्टिवनेस ऑफ एलोवेरा जेल इन रिड्यूसिंग द पिगमेंटेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड हाउ ओल्ड इज दैट स्कार बेसिकली। इन सिंपल वर्ड्स जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज अगर आपको कोई फ्रेशली कोई एक्ने पिंपल्स हुए थे अभी बस गए हैं और उनके निशान पीछे छूट गए हैं, तो उनको लाइटन अप करने में आपकी हेल्प कर सकता है एलोवेरा। लेकिन अगर आपको एक ओल्ड मिलाजमा है, कई सालों या महीनों पुराना है, या बहुत गहरा कोई कट या बर्न था उसका निशान है, या फिर कई लोगों के ये जो अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा ही डार्क होते हैं, तो अगर इतनी हद तक की डार्कनेस है तो आई डोंट थिंक एलोवेरा अलोन हैज द पावर टू डीपिगमेंट इट। बट डे टू डे बेसिस के जो हल्के बहुत निशान होते हैं उनको वो कुछ हद तक रिड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, कैन आई यूज एलोवेरा एज अ मॉइस्चराइजर बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। माय आंसर इज नो, यू कैन नॉट। यस, इट इज अ फैक्ट कि एलोवेरा में बहुत से फायदे होते हैं और ये एक बहुत ही कूलिंग सा इंग्रेडिएंट होता है जो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप को काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, पर वो किसी भी एंगल से एक मॉइस्चराइजर का काम नहीं कर सकता। बिकॉज आप कभी भी देखेंगे कि आप जितना मर्जी एलोवेरा जेल लगा लें, जितनी भी क्वांटिटी में लगा लें, बट द मिनट इट ड्राइज 3-4 मिनट बाद जब आपकी स्किन पूरा उसको सक कर लेती है, तो आपको आपकी स्किन थोड़ी सी स्ट्रेची खिंची हुई ड्राई सी फील होती है, बिकॉज उससे मॉइस्चर की नीड्स पूरी नहीं होती। इट इज यूज इन प्रोडक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, यू कैन यूज इट एज एन एसेंस और हाइड्रेटर और वट एवर, बट इट कैन नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अ मॉइस्चराइजर। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो गो इन विद अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर पोस्ट यूजिंग एलोवेरा, बट डू नॉट जस्ट सोली रिलाय ऑन एलोवेरा फॉर मॉइस्चराइजेशन। उससे अकेले से एक मॉइस्चराइजर की क्वालिटीज आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज मॉइस्चराइजर में कुछ ऑक्लूसिव्स होते हैं, कुछ ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, कुछ स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं, वो एलोवेरा में मिसिंग होते हैं, तो फिर वो मॉइस्चराइजर का काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7, कैन आई यूज एलोवेरा ऑन माई फेस एवरी डे, वॉट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग इट। आंसर इज, वैसे थियोरेटिकली इट इज सेफ फॉर पीपल टू यूज वंस अ डे और मे बी इवन ट्वाइस अ डे, बट दैट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टॉलरेंस लेवल। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर मैं नहीं कहूंगी कि आपको हर दिन यूज करना चाहिए, लेकिन कई लोग अल्टरनेट डेज यूज कर लेते हैं, कई लोग दिन में एक बार भी यूज कर लेते हैं, काफी सब्जेक्टिव सी चीज है। बट थियोरेटिकली इट इज वेरी मच सेफ टू बी यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट यू रियली हैव टू लिसन टू योर स्किन। यू व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट, ट्राई टू
नोटिस द पैटर्न, आपकी स्किन एक दो दिन के लिए अच्छी रह के फिर बिगड़ तो नहीं रही है, तो आपको वो पर्सनल अपने लिए डिसीजन करना पड़ेगा कि मुझे एलोवेरा थोड़े गैप के साथ लगाना है या दिन में एक ही बार लगाना है या दो बार लगाना है. जस्ट ट्राई टू नोटिस द पैटर्न एंड द बिहेवियर ऑफ योर स्किन आफ्टर यूजिंग इट, बट थियोरेटिकली येस इट इज सेफ टू बी अप्लाइड एवरी डे. Question number 8, can I use aloe vera for anti-aging benefits? Answer is yes, of course you can. Anything which is packed with a lot of antioxidants has the ability to give you anti-aging benefits. But can you rely solely on aloe vera for that? Answer is no. Because obviously aloe vera itself is a powerhouse of antioxidants, so it will definitely help you in this thing. But only aloe vera can't solve your anti-aging problem. I will suggest that if you have crossed 30 ki age, cross kar chuke hai, toh aap sirf aloe vera pe rely na kare. Kabhi-kabhi aap aloe vera bhi lagayin, lekin phir bhi aapko kuch supportive ingredients ki zarurat padegi, jaise retinol, ceramides, इस तरीके की चीजें. Question number 9, can sensitive skin type people and oily acne prone skin type people use aloe vera? Answer is yes, both of these people are fit to use aloe vera. But agar aapki skin obviously sensitive hai, to jaise maine pehle kaha, pehle patch test kariye, do din wait kariye, dekhiye. Aur dusri cheez, अवॉइड करिए नेचुरल एलोवेरा जेल यूज करना. हमेशा गो फॉर अ प्रोसेस्ड एलोवेरा जेल विच इज हाई क्वालिटी ऑफ कॉर्स एंड फ्री ऑफ एनी पॉसिबल स्किन इरिटेंट्स, कलर एंड फ्रेग्रेंस. व्हेन इट कम्स टू यूजिंग एलोवेरा ऑन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप, ऑफ कॉर्स आप हर दिन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एलोवेरा में खुद की बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. इनफैक्ट एलोवेरा के खुद के अंदर नेचुरल सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड भी होता है, तो वो आपकी जो एक्ने इरप्शंस होते हैं ना, उसको काम डाउन करने में बहुत करता है. कमिंग टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैन आई यूज एलोवेरा जेल पोस्ट माय केमिकल एक्सफोलिएशन सेशन? वेल, माय आंसर इज यस, इट समटाइम इट डज वर्क फॉर सम पीपल, बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई ऑलवेज अवॉइड यूजिंग एलोवेरा राइट आफ्टर माय केमिकल एक्सफोलिएशन. आई हैव दिस थिंग ऑफ आई try to avoid mixing chemical and natural, you know what I mean? Like for example, agar jis din mera man hota hai aaj main natural remedies kar rahi hu, of course there are things like honey, curd and besan and aloe vera and all these good things, to jab main natural remedies karti hu to fir main sirf un DIYs vagera ko stick to karti hu, lekin jis din maine chemical exfoliants use kare hain wo bhi itni high potency wale, so I don't know how that chemical thing will react to a natural thing post that. So इसलिए मैं safe चलती हूँ. तो मैं उस particular दिन पे जब मैंने just chemical exfoliation लगाया है, करा है, उसके just बाद मैं aloe vera gel नहीं लगाती. मैं कोई भी एक safe सा normal सा moisturizer लगा लेती हूँ, भले मैं aloe vera कुछ घंटे बाद लगा लूँगी या अगले दिन लगा लूँगी, but right after my chemical exfoliation मैं aloe use नहीं करती हूँ और ना ही मैं इसे recommend करती हूँ. All right, so I tried to answer some of the common questions that I thought you guys would probably have about aloe vera. बट स्टिल अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन मिस कर दिया जो आप पूछना चाहते थे, मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू. एंड अब बारी आती है टू टॉक अबाउट माय टॉप 5 पिक्स फॉर दिस समर सीजन, जो मेरे ख्याल से ग्रेट क्वालिटी एलोवेरा जेल्स हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइस रेंज, जो कि मुझे लगता है विल सूट अ लॉट ऑफ यू पीपल जिनको एक्ने प्रोन स्किन टाइप है या फिर जिनको सेंसिटिव स्किन का प्रॉब्लम है. सो आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट दीज सजेशंस विल हेल्प यू. सो लेट्स डाइव राइट इनटू दैम. The first one is my personal favorite out of these entire 5. This one is by Pilgrim. This is from the secrets of Jeju Island of South Korea. वहाँ पे एक island है जहाँ के aloe को extract करके बनाया जाता है. This also has vitamin E, vitamin B5 and white lotus, जो कि sensitive skin type को काफी हद तक soothe करने में help करते हैं. Also इसका formula बहुत hydrating है. ये एक fragrance free formulation है, sensitive type friendly है. Also I think consistency wise this is by far the best consistency of an aloe vera gel that I've ever experienced on my face. It's again a multi-purpose product. आप इसको बालों पे, nails पे, face पे, body पे, कहीं पे भी लगा सकते हो. आपको कोई cuts है, burns है, rashes है, redness है, irritation है, bug bites है, sunburn है, किसी भी तरीके के concern में ये आपको definitely help करेगा. It's a 100% vegan product जो कि FDA approved है. It is free of any kind of chemical, parabens, sulfates and also it is cruelty free.
Product number two is by the brand Wishcare. As you guys can see, this bottle looks so pure, so transparent and so natural. Iska formulation bahut hi clean hai. Usme unhone raw pulp of aloe vera leaves use kara hai. Sirf vitamin E add kara hai. Uske alawa iski jo ingredient list hai bahut hi clean hai. Aur jaise ki aap jab use karenge, aapne kabhi use kara ho agar ya aage kabhi use karenge, aap dekhenge iska jo texture hai na thoda sa viscous hai kyunki usme unhone koi bhi texture smoothening ya softening agent नहीं डाले हैं उसको फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए, तो कुछ भी ऐड नहीं करा है. जब आप इसको लगाते हैं आपको लगता है आप प्योर बिल्कुल ऐसे प्लांट से फ्रेश रॉ लेके लगा रहे हैं. तो इसीलिए आई थिंक इसका चेक टेक्सचर आपको लगाते समय थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि थोड़ा थिक है, थोड़ा सेटल होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा. अगर आप, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज जेल्स जिनको लगाते ही आप तुरंत ऑन द गो हो सकते हैं. लगाने के बाद ये कम से कम 3 से 4 मिनट लेता है सेटल डाउन होने के लिए. अदरवाइज आप जब ऐसे ऐसे करेंगे ना तो वो एक ऐसी ऐसी सी फीलिंग आपको आएगी. तो वो इस एलोवेरा जेल के साथ एक चीज है बस. तो अगर आपको थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की एलोस पसंद नहीं है तो आप इसको रात में फिर भी एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. जब आपने कहीं नहीं जाना बाहर, आपको सिर्फ सोना है, तो आप इसके बेनिफिट्स लेने के लिए रात को एक जेनरस सी लेयर लगा के सो जाइए आराम से. बट इसको टाइम दीजिए अब्सॉर्ब करने का. दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. This one is a cold pressed aloe vera juice with vitamin E. It is made with raw natural pulp of aloe vera leaves that are sourced from the farms of Jodhpur, Rajasthan. Coming to the third one, which is by a Korean skincare brand called Tony Moly. This is their 99% pure aloe, jiska pura naam hai Chok Chok Soothing Gel. Ye ek South Korean brand hai and look at this vibrant, fresh packaging. Ekdam summer appropriate. Aise lag raha hai ki jaise aloe vera koi haath mein liya hua hai. Bahut hi refreshing, cooling si iski ek feel hai. Bahut hi skin ko lagate hi immediately calm kar deti hai. Now, I like the fact ke ek Korean brand ke hisab se unhone kaafi generous quantity di hai. तो प्राइस पॉइंट से ये सुपर अफोर्डेबल है. ऑल्सो बहुत ही कूलिंग और सूदिंग है. जैसे मैंने कहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है. मैंने ब्रोकन आउट स्किन पे भी इसको जब भी कभी यूज करा, इसने मेरी स्किन को हमेशा शांत ही करा है. बट हैविंग सेड दैट, आई मस्ट एडमिट दैट दे डोंट हैव द बेस्ट इंग्रीडियंट लिस्ट. इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ आई थिंक बहुत ही माइनर ही सही, बट इसका बहुत माइनर एक माइनस भी है. सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत से एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें विटामिन ए के साथ सी भी है. सारी अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दो जो बहुत माइनस छोटे पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि इसमें सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है फ्रेग्रेंस से, तो आई थिंक दैट पॉइंट कुड बी इग्नोर्ड. और अगली चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है, जो कि वैसे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम नहीं करता. बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू, जो भी मुझे पॉसिबल ऐसे ऐसा लगे कोई पॉइंट कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है. तो मेरे ख्याल से बींग ऑन द सेफ साइड, अगर आपकी स्किन हद से ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक अलग चीज़ है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस विल वर्क. मैंने जैसे कि बताया कि मैंने इसे ब्रोकन आउट स्किन पे भी यूज़ किया था, पर मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम किया. Product number 4 is by the brand Vilva. First of all, just look at this cute tin style packaging. This is very, very cute and adorable. Now, this one is again cold pressed aloe vera, and this is formulated with a tiny bit of EcoCert approved preservatives, very little of that, but otherwise formulation is super duper clean. Now this one, I think iska texture aise free flowing ya bahut runny nahi hai, quick absorbing texture to main nahi kahungi. Bahut hi pure aapko feel hota hai jab aap ise lagate hain, to aapko pata hai ki aap kuch acha hi laga rahe hain aapki skin pe, ye baat iske sath tay hai. Lekin blend hone mein aur absorb hone mein thoda sa time leta hai. I think jaise aapne lagaya, give it 2 minutes to settle down. It is not very thick, but it's not very thin also. So it will take 2 minutes of your time, but after that it will get very nicely absorbed into the skin and will feel almost weightless, like it's just gone. But acne prone skin type ke liye ye wala mujhe bahut bahut acha lagta hai. I think agar aap bilkul har tarike se sure hona chahte hain to is product pe aap kabhi doubt nahi kar sakte. And somehow ye kabhi bhi off mein nahi hota. Like baki jitne main suggestions mention kar rahi hu aaj ke video mein, 40-50 rupees upar niche wo mil hi jate hain kisi किसी वेबसाइट पे, लेकिन ये प्रोडक्ट तो कभी ऑफ पे जाता ही नहीं है. और मैं 2 साल से ट्रैक कर रही हूं, इस पे कभी 10 रुपए का भी ऑफ नहीं होता. इट इज दैट गुड. Coming to the fifth and the last product that I have for you, this is by the brand Aqualogica. This is their Glow Plus Activated Aloe Vera Gel. This is formulated with papaya, vitamin C and hyaluronic acid. Beautiful consistency, very, very lightweight, suitable for oily acne prone skin type. Again, a fragrance free formulation, so sensitive skin type also can use it.
दिस इज फ्री फ्रॉम ऑल द नास्टीज. अगेन अ मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल, आप इसको हेयर बॉडी फेस कहीं पे भी आराम से लगा सकते हैं. बहुत ही सूदिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसका. जनरली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, दे ऑफन टेंड टू स्मेल अ लिटिल बैड, बट इसके साथ वो केस नहीं है. इसमें फ्रेग्रेंस ना होने के बावजूद भी मुझे इसकी स्मेल बेरेबल लगती है. इट्स नॉट कि आप लगाएंगे तो आपके पास से कोई खराब सी स्मेल आएगी. आई थिंक वो भी इस प्रोडक्ट की एक अच्छी बात है. एंड आई थिंक द क्वांटिटी इज ऑल्सो superb. All right, you guys. So with that, I have come to the end of this video. I really hope that you do find my suggestions and this information to be useful. अगर आपने इसमें से कोई भी aloe vera use करा है तो please मुझे comment करके बताइए आपको पसंद आया या नहीं. या अगर मैंने कोई ऐसा mention नहीं किया जो आपको personally पसंद है, आपको लगता है लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में, then please comment down and let us know which is the one that I'm missing and I would love to try that out. On that note, it's time for me to sign off. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.